नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और इस वक्त के बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे अररिया की। अररिया में अब बाढ़ का पानी घटने लगा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अब जलस्तर में कमी देखने को मिल रही है। लोग धीरे धीरे अब अपने गांव की ओर लौट रहे हैं। अब राहत कैंप में बाढ़ पीड़ितों की संख्या में भी कमी आ रही है, लेकिन अभी भी कुछ लोग राहत कैंप में शरण लिए हुए हैं। वहीं अररिया के आजाद एकेडमी में चल रहे राहत कैंप की व्यवस्था को देख बाढ़ पीड़ित काफी खुश है। परेशानी यहाँ पर यही है, बच्चे लोग का है, खाना तो जो मिलता है सब सही है। बच्चे लोग को दूध की व्यवस्था थी? बच्चे के लिए एक दिन दूध आया, एक बाल्टी बटने के लिए झगड़ा हो गया, दूध में बटा गिर पड़ गया, उसके बाद से नहीं आया, लेकिन हलवा बटा था। इस स्थिति में बच्चा लोग को क्या व्यवस्था किया आप लोग बच्चों के लिए? हम लोग अपना खरीद के खिला रहे हैं। परेशानी सिर्फ है ना, मतलब कमाने वाला भी कोई नहीं है, एक बेटा भी तो ऊपर घर के घर नीचे है और पानी घर के ऊपर है और चल करके देख भी सकते हैं सर, एक भी कपड़ा लेकर के बाल बच्चा का बाहर नहीं निकले हैं, कपड़ा भी घर बेसतर बने हुए हैं। हमारे सरकार के द्वारा जो जिला पदाधिकारी का निर्देशानुसार हमें इस राहत शिविर का कैंप प्रभारी बनाया गया है। मेरा नाम अबू सुफियान है। इसमें जिला पदाधिकारी महोदय और जिला के प्रशासनिक जितने भी पदाधिकारी हैं सभी के सहयोग से इस शिविर में दो टाइम का खाना सभी पीड़ित बाढ़ पीड़ित परिवारों को ससमय उपलब्ध कराया जाता है हम लोगों के द्वारा। इसमें हम लोग पूरा टीम के द्वारा सभी का सहयोग, साफ सफाई, लाइट, रोशनी सबका व्यवस्था है। बाढ़ पीड़ितों के लिए आंगनबाड़ी की तरफ से ये व्यवस्था किया गया है कि सभी केंद्रों का जितने भी नगर परिषद में केंद्र हैं सभी से पर डे जो है हलवा मंगवा करके बनवा करके यहाँ पर लाया जा रहा है। और यहाँ पे जो 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, गर्भवती है, धात्री है, उनके बीच वितरण करवाया जा रहा है। बात करें सासाराम की तो हमारी संस्कृति में हर मौसम के गीत है। फागुन में फगुआ, चैत में चैता तो सावन में कजरी के गीत गाए जाते हैं। उसी तरह गृहस्थ जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक के गीत है। ठीक वैसे ही इन दिनों रोहतास में किसान धान की रोपनी कर रहे हैं और पूरा खेत रोपनी के गीत से गुंजायमान है। महिलाएं रोपनी के गीत गा रही हैं। धान की रोपनी करने वाली रोपनिहार महिलाएं घुटने भर कीचड़ में उतर कर रोपनी के पारंपरिक गीत गाती हैं। काली माई के सब देवता पितर के मनाई ना जा, शिव गुरु के बढ़िया दिन करी, खेत रोपल हो जा, सर से ग्राह ही खातिर करी ना जा, गई ना जा अपन मान माना, चल भाई रोपा जी खेत बुझाई ना, पानी बरसने के लिए भी हाँ हर फरवरी गई ना जा पानी बरसे खाती, तब ना गिरहत हो तो कटनिहार के मिली, कटिहान आदमी गिरहते के ना हो तो कहाँ ना कटनिहार के मिली। क्या नाम हुआ आपका? उधर राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सहनी ने बिहार में आए बाढ़ पर नीतीश कुमार को दोषी ठहराया है। उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार सिर्फ हवाई सर्वेक्षण करते हैं, लेकिन वो ना तो धरातल पर उतरते हैं और ना ही धरातल पर कोई काम ही करते हैं। हमारे नीतीश बाबू सिर्फ सर्वेक्षण करते हैं, हवाई सर्वेक्षण करते हैं, कभी लू का सर्वेक्षण करते हैं, कभी बच्चे मर रहे हैं मुजफ्फरपुर में उसका हवाई सर्वेक्षण करते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं करते हैं। वहाँ के निवासी जहाँ बाढ़ पीड़ित जो है पूरा भूखे मर रहे हैं, राहत के नाम पर कुछ नहीं दे रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार से बिहार कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसलिए माननीय नीतीश कुमार जी को नैतिकता के आधार पर रिजाइन दे देना चाहिए, ये हमारी पार्टी की ओर से मांग करते हैं।